जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप देख रहे हैं केएम बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षकों की भूमिका पर बेंगाबाद में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बताया जाता है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने कहा कि एकाग्रता शिक्षा का मूल आधार है, इससे वातावरण बदलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षकों की भूमिका पर मंगलवार को बेंगाबाद के करमाटाड में स्थित केएन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी के मौके पर राष्ट्रीय सचिव ने अपने संबोधन में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन चंचल है, मस्तिष्क में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, इसलिए उन्होंने आचार्यों को स्कूल जाने के बाद सबसे पहले छात्रों को एकाग्रचित करने का प्रयास करने की अपील की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि इच्छा शक्ति के अभाव में तीसरी शिक्षा नीति कार्य का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, इससे क्रांति लाने की जरूरत है। कहा, देश में सबसे पहले वर्ष 1962 में शिक्षा नीति बनी, फिर वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति तैयार किया गया और वर्ष 2020 में तीसरी शिक्षा नीति तैयार किया गया। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कमियां को पूरा करने वाली शिक्षा नीति है। इसमें क्रांति के लिए चर्चा जारी रखना होगा। शिक्षा के कई पद्धतियां हैं, इसमें बदलाव लाना होगा। चुनौती को अवसर में बदलना ही शिक्षा का स्वरूप है। शिक्षा से ही देश विश्वगुरु बन सकता है। मौके पर महाविद्यालय के चेयरमैन शिव शक्ति नाथ बक्सी ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर न्यास कार्य कर रही है। देश को बदलने के लिए शिक्षा बदलना होगा और नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व देने की जरूरत है। शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है। वहीं गिरिडीह महाविद्यालय के डॉक्टर एसपी सिन्हा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। इस नीति को तैयार करने में भारत सरकार के तंत्र को लगाना पड़ेगा, तब जाकर तीसरी शिक्षा नीति तैयार किया गया, जिससे सक्षम समाज का निर्माण हो सके। कहा कि शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है, शिक्षा से ही सक्षम समाज का निर्माण हो सकता है। प्राचार्य अजीत कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के मौलिक चिंतन का प्रतीक है। अथक प्रयास से शिक्षा नीति को उतारा गया है। वर्ष 2030 तक 100% लोगों को साक्षर बनाना है और वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करना है। कार्यक्रम के मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गीत संगीत से वहां का समा बांधे रखा था। मौके पर महाविद्यालय के सचिव रण विजय शंकर, उप प्राचार्य विनोद कुमार सुमन, प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, शंकर पंडित, डॉक्टर सुरेश यादव, प्रोफेसर मदन पांडे, शंकर पंडित के अलावे गौतम कुमार गुप्ता, प्रोफेसर सुमित कुमार सहित अन्य शिक्षाविद उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस मौके पर और किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमे जयते, वंदे मातरम। नई शिक्षा नीति को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, क्या कुछ संदेश मतलब देना चाहेंगे इस क्षेत्रवासियों? नहीं, पहले तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको कि ये नई शिक्षा नीति के बोले अभी शब्द है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये शिक्षा नीति क्या है ये बच्चों को मालूम नहीं है, तो इस दृष्टि से पहले शिक्षा नीति क्या है उसका एक समाज में जागरण की शिक्षा जगत में विशेष आवश्यकता है, और क्या शिक्षा नीति मूल बिंदु है इसकी चर्चाएँ की गई। जैसे शिक्षा नीति ये भारतीयता केंद्रित शिक्षा नीति है, इसमें समग्रता की दृष्टि की बात की है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा की बात की है, शिक्षा में बच्चों को कई नए अवसर दिए गए हैं कि मल्टीपल एग्जिट एंट्री, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ऐसे कई नए नए आयाम भी आए हैं। उन सबकी विस्तृत चर्चा यहाँ की गई और इस चर्चा को जिले भर में आगे बढ़ाने की एक बात की गई, साथ साथ उनको क्रियान्वयन में हम क्या लोग मिलकर कर सकते हैं इस पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि जब तक शिक्षा नीति कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि देश और दुनिया में इस नीति की प्रशंसा हो रही है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होगा
तो फिर एक चौथा किताब में पढ़ा रहेगा। तो इसके क्रियान्वयन में अभी तक क्या है कि मेरा देश भर कहूँगे शहरों तक, विश्वविद्यालयों तक, केंद्रीय संस्थानों तक सीमित है इसका क्रियान्वयन। तो एक गिरडी जैसे विद्यार्थी क्षेत्र में आज यह कार्यक्रम जो आयोजित किया, इसलिए मैं केएन बक्सी कॉलेज के सारे प्रिंसिपल और ट्रस्ट मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने उसको निवेदन किया है कि ये महाविद्यालय नेतृत्व करे और यहाँ तहसील में गांवों तक इस नीति को पहुँचाया जाए। तो इस नीति ऐसी सुंदर है, इस शिक्षा नीति से देश की शिक्षा बदलेगी, जो मेकोलों की शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए ऐसे बहुत सालों से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा नीति में वो क्षमता है। तो शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट से मेकोलों की शिक्षा बदलेगी, भारतीय शिक्षा आएगी, यानी देश की शिक्षा बदलेगी एक प्रकार। और शिक्षा बदलेगी तो जैसा समृद्ध संपन्न विकसित भारत, विश्वगुरु भारत हम चाहते हैं, उसमें हम सफल हो पाएंगे। इस दृष्टि से शिक्षा नीति पर देखना चाहिए, यही दृष्टि और यही मिशन इस शिक्षा नीति का है।